नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद दर्द छलका है। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए अपना फ्यूचर प्लान भी बताया। क्या है शिवपाल यादव का फ्यूचर प्लान, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सालों भर सियासी हलचल वाले उत्तर प्रदेश में भले ही अभी चुनावी मौसम नहीं है, मगर माहौल उससे कम भी नहीं है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से रिश्ते टूटने के बाद शिवपाल सिंह यादव ने मंगलवार को पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना फ्यूचर प्लान बताया। समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी पत्र को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मुझे मीडिया के जरिए से ही इस पत्र के बारे में पता चला कि औपचारिक स्वतंत्रता मुझे दे दी गई है और ये अब परिपक्वता है। अगर यही था तो आप मुझे विधानमंडल दल से निकाल देते और इस पत्र की क्या जरूरत है, क्योंकि संविधान के अनुसार हम सब स्वतंत्र हैं। इससे तो यही लगता है कि ये सब अपरिपक्व है। समाजवादी पार्टी से रिश्ता खत्म होने पर अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हमने तो चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का सिंबल लिया, अपनी पार्टी छोड़ी और समाजवादी पार्टी के लिए पूरी मेहनत की और उसके बाद ये पत्र जारी किया जाता है, ये महज अपरिपक्वता है। दरअसल आपको बताते चले कि बीते दिनों समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल सिंह यादव को एक पत्र जारी कर कहा गया था कि शिवपाल सिंह यादव जी, अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। वहीं जब इस दौरान मीडिया ने शिवपाल सिंह यादव से सवाल किया कि आगे क्या गठबंधन की संभावना है, आप मुख्यमंत्री योगी से भी मिले, ओम प्रकाश राजभर भी आपसे टच में है, इस सवाल के जवाब में शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि अभी मैं केवल अपने संगठन को तैयार और मजबूत कर रहा हूं। अगर जब भी कोई गठबंधन की बात होगी तो आपके सामने आ जाएगी, अभी तो मैं केवल अपनी पार्टी को मजबूत कर रहा हूं। और जहां तक ओम प्रकाश राजभर की बात है तो मुलाकात और शिष्टाचार भेंट जरूर होती है, लेकिन कहीं पर भी अभी गठबंधन का कोई रुख नहीं है। सीएम योगी से डिनर पर राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए ही मुलाकात हुई थी। बहरहाल शिवपाल सिंह यादव ने साफ कर दिया है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और यदि शिवपाल अपनी पार्टी को मजबूत कर लेते हैं तो वो चुनाव में सपा के MY फैक्टर की कार्ड बनेंगे, क्योंकि दोनों पार्टियों की विचारधारा सेम है, दोनों प्रसपा भी लोहिया के विचारों की पार्टी है। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव बगैर गठबंधन के भी समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बनेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।